हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जल्दी से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यहां पर हम आपको दे दें। जैसा कि आज सुबह के वीडियो में हमने आपको बताया कि इंडियन आर्मी द्वारा इमरजेंसी पार के अंतर्गत दृष्टि 10 UAVs को लिया गया है करीबन 2 के नंबर में, जिसमें से जो पहला UAV है ये इंडियन आर्मी को मिलने वाला है। उसी तरीके से इमरजेंसी पार के अंतर्गत 2 और इंडिजिनस वेपन को प्रिक्योर किया गया है। और यहाँ पर ये दृष्टि 10 की तरह इंडिजिनस नहीं है, ये कम्प्लीटली इंडियन R&D वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ULPGM की और DRDO V-Shroud की। ये दोनों सिस्टम जो हैं अडानी ग्रुप द्वारा ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं दृष्टि 10 UAV की तरह, पर इनका डेवलपमेंट DRDO द्वारा किया गया है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से 18 मई तक यहाँ पर डिलीवरी करी जा सकती हैं। तो ये बहुत बड़े नंबर नहीं होंगे। खैर, नंबर कितने होंगे इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ULPGM से। तो ULPGM का फुल फॉर्म है UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। तो ये शॉर्ट रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये स्टैटिक के साथ साथ मूविंग टारगेट्स को हिट कर सकती है। मिसाइल की लंबाई करीबन 890 mm की है, डायमीटर 100 mm का है और विंग स्पैन करीबन 200 mm का बताया जाता है। वजन मात्र 8.5 kg का है और जो मैक्सिमम रेंज है ये 1.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो ये 8.5 किलोग्राम की मिसाइल करीबन 2 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है, जो कि एंटी आर्मर रोल में करीबन 6 इंचेस तक रोल्ड होमोजेनियस आर्मर प्लेट को भेदने में सक्षम है और 6 इंचेस तक की कंक्रीट को भी भेद सकती है। गाइडेंस के लिए यहाँ पर IR सीकर लगाया गया है, जो कि डे नाइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी नेविगेशन यहाँ पर GPS या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम को यूज़ करके किया जा सकता है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, जो कि 100 mm की बताई जाती है। बाकी ये 750 meter से 2 km तक के एल्टीट्यूड से लॉन्च करी जा सकती हैं और मिसाइल का जो फायरिंग टाइम है ये 10 से 15 सेकंड्स का है। तो ये मिसाइल्स UAV से तो लॉन्च करी ही जा सकती हैं, साथ ही साथ ड्रोन से भी लॉन्च करी जा सकती हैं। बाकी ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर 2-way डेटा लिंक को दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है ऑफेंसिव UAV ऑपरेशंस में, स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं वहाँ पर ड्रोन्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होंगी और अपने वजन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा पंच पैक करती हैं। तो कई हैवी UAVs मोस्ट लाइकली ऐसी 2 से 3 मिसाइल एक बार में कैरी करने में सक्षम होंगे और जो ड्रोन्स हैं वो ऐसी मल्टीपल मिसाइल्स एक बार में कैरी करने में सक्षम होंगे। ये नंबर्स कितने हो सकते हैं ये अल्टीमेटली ड्रोन्स पर ही डिपेंड करेगा, पर मोस्ट लाइकली जिस हिसाब का यहाँ पर रिलीज एल्टीट्यूड बताया जा रहा है ये नॉर्मल UAVs से ज़्यादा यूज़ करी जाएंगी। बाकी दूसरे सिस्टम की बात करें तो ये V-Shrouds हैं, जिनको DRDO द्वारा बनाया गया है। इनके कुछ सक्सेसफुल टेस्ट भी हुए हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज 6 किलोमीटर के मिल जाती है। फिलहाल के लिए इन पर फर्दर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इनके साइज़ पर काम किया जा रहा है ताकि ये शोल्डर लॉन्च हो पाए। फिलहाल के लिए ये मैन पोर्टेबल ट्राईपॉड बेस्ड है और करीबन 20.5 किलोग्राम वजनीय है। तो इसके वजन पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ये मिसाइल मैक्सिमम Mach 1.5 की स्पीड को अचीव कर सकती हैं और करीबन 15 से 20 सेकंड तक हवा में रह सकती हैं। वहीं पर लॉन्च एल्टीट्यूड की बात करें तो ये करीबन 3.5 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड से लॉन्च करी जा सकती हैं। मिसाइल की लंबाई करीबन 2000 मिलीमीटर की है और डायमीटर खाली 90 मिलीमीटर का है। तो ये UAVs के अगेंस्ट में, हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगी। बाकी अटैक रोल परफॉर्म करते हुए जो लोअर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे फाइटर प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके अगेंस्ट में भी इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता होगा। तो यहाँ पर जो खास बात है वो ये है कि ये ड्यूल थ्रस्ट रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम को यूज़ करती हैं और जो गाइडेंस मैकेनिज्म है ये इंफ्रारेड सीकर है। तो ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल भी हैं और जो पैसिव गाइडेंस सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इसको डिकॉय यूज़ करते हुए बीट कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये डेडली बन जाती हैं। तो दृष्टि 10 के कंपैरिजन में ये जो प्रिक्योरमेंट है ये ज़्यादा वेलकमिंग है। ऑल्दो इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट के अंतर्गत ये किया जा रहा है तो नंबर्स यहाँ पर लिमिटेड होंगे, पर उसके पीछे कारण भी ये है कि अभी इन पर काम किया ही जा रहा है। जैसे कि हमने बताया V-Shrouds के लाइटर और स्मॉलर वर्जन को बनाया जा रहा है ताकि ये शोल्डर लॉन्च हो सके और ईगला जैसे सिस्टम को इंडियन आर्म फोर्सेस से रिप्लेस कर सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।